स्टार ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम ईस्टर क्राफ्ट में बिग रैबिट बनाएंगे, गेट पर लगाने के लिए या लॉन पर लगाने के लिए, हैंगिंग और स्टिक के ऊपर। करते हैं स्टार्ट। इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड शीट लिया, कार्डबोर्ड शीट पर आप ड्रॉ कर लें। इस तरह से सिटिंग बननी है ये, सिटिंग रैबिट। तो इसके कान मुड़े हुए देख सकते हैं आप। तो मैंने ये इस तरह से इसमें से काट कर निकाल लिया। इसी तरह से मैंने व्हाइट शीट लेकर इस तरह से व्हाइट शीट के ऊपर इसे रखकर इसे व्हाइट शीट को काट कर इस तरह से निकाल लिया। अब हम इसे चिपकाएंगे इस तरह से, हम इसे यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से, किनारे किनारे पर ग्लू लगाकर। आप बीच में भी ग्लू लगा दें, बड़ा आसान है लगाना। आप कार्डबोर्ड शीट को काट लें या आप लकड़ी का भी कुछ ले सकते हैं, या फिर आप मोटी कोई कॉपी का हिस्सा भी ले सकते हैं। इस तरह से देखिए आप ग्लू लगा दें सारे उसमें, और फिर बीच में भी लगा दें इस तरह से, ताकि बीच में से ना उठ ना पाए पेपर। तो हम इसको इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। बचा हुआ हिस्सा आप बाद में काट सकते हैं, अगर आपको कार्डबोर्ड का या कार्डबोर्ड शीट का कुछ पीस दिखे तो आप उसे काट सकते हैं। देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से दबा दें। इसके बन्नी के कान मुड़े हुए तो देखिए ये कितना सुंदर हो गया, बहुत सुंदर हो गया। अब हम इस तरह से सुई धागा लेकर इसके सुई धागे को इस तरह से होल करके इसे इस तरह से होल करके देखें इस तरह से बना देंगे। देखें इस तरह से आप कर लें, ये देखें इस तरह से करके आप सुई को बाहर निकाल दें इस तरह से। हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और अपने हिसाब से इसे हैंगिंग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, देखिए इस तरह से। तो आप इसे सुई के हिसाब से अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर ग्लू लगाकर आप इसे चिपका सकते हैं। अगर आपको लगता है नॉट नहीं दिखे तो आप ग्लू लगाकर यहाँ पर इसे चिपका सकते हैं। यहाँ पर ग्लू लगा दें और इसे यहाँ चिपका दें, और ऊपर से आप कोई इस तरह की चीज़ चिपका सकते हैं जैसे कि ये नज़र ना आए। देखें इस तरह से कोई भी कागज़ या कोई चीज़ लेकर आप यहाँ पर चिपका दें दोनों तरफ, ताकि ये नज़र ना आए। तो देखें ये इस तरह से हो गया हैंगिंग। अब हम इसके ऊपर बाकी के हिस्से लगाते हैं। जितने इसके कान मुड़े हुए हैं तो मुड़े हुए कानों के लिए मैंने ये लिया है, इसके इस तरह से लगेंगे, क्योंकि जो कान मुड़े हुए हैं वो हिस्सा नहीं दिखता। तो यहाँ से हम इसके कान लगाएंगे इस तरह से, देखें इस तरह से हम इसके कान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप पहले रख कर देख लें एस्टीमेट, और फिर यहाँ पर इस तरह से कान लगा दें। देखें इस तरह से यहाँ पर आप करते हुए दूसरा कान भी यहाँ लगा दें, देखें इस तरह से ये कान लग गया इसका दोनों। अब हम इसकी आइज़ लगाएंगे, बनाकर रखे हुए मैंने इसके सारे पीस। यहाँ पर आइज़ लगाएंगे, इसकी आइज़ मैंने 3D बनाई है। फिर हम यहाँ पर नोज़ लगाएंगे इस तरह से, नोज़ का नोक वाला हिस्सा नीचे रहेगा। फिर मैं इसके ये पिंक दिखाने के लिए, इसके चीक पिंक दिखाने के लिए इस तरह के दो सर्कल लगाऊंगी, देखिए इस तरह के। आप चाहें तो पेन लेकर इसकी मूछें बना सकते हैं इस तरह से, देखें यहाँ से आप इस तरह से। फिर हम इसके जो पंजे हैं इन पंजों पर ग्लू लगाते हुए इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह की छोटे छोटे पिंक सर्कल लगाएंगे, देखिए इस तरह से पिंक सर्कल लगा दें हम यहाँ पर, और यहाँ भी लगा दें, देखिए ये पिंक सर्कल लगा दें आप इस तरह से। देखिए तो ये हमारा हैंगिंग तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा बहुत सुंदर तैयार हो गया। आप इस पर कुछ लिख सकते हैं, आप इस पर हैप्पी ईस्टर लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, हैप्पी ईस्टर भी लिख सकते हैं। मैं लिखकर दिखाती हूँ आपको, इसको डबल कर लें ताकि दिखे दूर से ही। आप इसे गेट पे लगाने जा रहे हैं या लॉन में लगाने जा रहे हैं तो दिखना चाहिए, दूर से ही दिखना चाहिए। ये इस तरह से डबल कर दें आप इसको, तो देखें, और यहाँ पर इस तरह के स्टार से बना दें। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा हैप्पी ईस्टर तैयार हो गया।
ये हमारा हैंगिंग तैयार हो गया। इसी तरह से मैं ये तैयार करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से मैं यहाँ ग्लू लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दिया, देखिए। और पीछे मैं इसके स्टिक लगाने जाऊंगी, तो ये मैं यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाते हुए, देखिए ये हिस्सा इस तरह से लगा दूंगी। यहाँ भी ग्लू लगाते हुए हम ये हिस्सा इस तरह से लगा देंगे। और ये देखिए, क्योंकि इसका जो कान आधा मुड़ा हुआ है, आधे में पिंक कलर दिखाई नहीं देता, तो इस तरह से हम इसे आंखें लगाएंगे। फिर इसकी यहाँ पर हम नोज लगाएंगे, बहुत आसान है बनाना। फिर यहाँ पर हम इसके चीक लगा देंगे दोनों, इसके पिंक दिखाने के लिए चीक हम यहाँ पर गुलाबी सर्कल लगा देंगे। फिर हम इसके पैरों पर इस तरह से पिंक लगा देंगे, ये जो पैर हैं इनके, इन पर छोटा छोटा पिंक शेड दे देंगे थोड़ी थोड़ी इस तरह से। बड़ी आसान है करनी, देखें इस तरह से। ये देखें यहाँ पर इस तरह से हम दे देंगे, तो ये हमारा बहुत सुंदर देखिए इस तरह से तैयार हो गया। बस हमें अब इसके पीछे स्टिक लगानी है इस तरह की, क्योंकि हम इसके पीछे दो स्टिक भी लगा सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्लू लगाते हुए, यहाँ पर ग्लू लगाते हुए देखें इस तरह से स्टिक लगा दिया। ये स्टिक लगाने के लिए मैं ग्लू गन का प्रयोग कर लेती हूँ, क्योंकि ग्लू थोड़ी देर से सूखती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये ग्लू गन का, हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर लिया है। फिर हम यहाँ पर इस तरह से हाफ ऑफ करते हुए, देखें यहाँ पर हाफ ऑफ करते हुए इस पेपर को, कोई पेपर यहाँ चिपका देंगे ताकि ये मजबूत भी हो जाए और ये छुप भी जाए। देखें इस तरह से, आप पिंक भी ले सकते हैं, कोई और कलर भी ले सकते हैं, इस तरह का भी ले सकते हैं वाइट। देखें इस तरह से ये मुड़ जाएगा, देखिए। अब ये हमारा देखिए इस तरह से तैयार हो गया, मुड़े हुए कान वाला बिग बनी। गुड लक।